आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव राज्य सरकार की तरफ से सोमवार की शाम लखनऊ के रेजिडेंसी में आयोजित किया गया। बता दें कि ये अब तक के देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन रहा। इसमें भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की गाथा को आसमान में एक साथ 500 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट, कलाबाजियों की ओर से प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भारत सरकार की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और अन्य मंत्रीगण ने भी हिस्सा लिया। इस ड्रोन शो को दिखाने के लिए रूस से 500 ड्रोन मंगाए गए और इस रूस से ड्रोन इंजीनियरों की विशेष टीम लखनऊ आई। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की तरफ से 75 साल पूरे होने पर 75 मीटर की कैनवास पेंटिंग भी लगाई गई थी, जिसमें आजादी की गाथा को पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया। मैं मौजूद हूं लखनऊ के रेजिडेंसी में, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में ड्रोन शो और लाइट शो का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि हमारे ठीक पीछे 75 मीटर की एक पेंटिंग बनाई गई है। ये राज्य ललित कला एकेडमी के द्वारा बनाई गई है और ये आज़ादी की गौरव गाथा को चित्रांकन किया गया है। आपको बता दें कि ये पेंटिंग पूरी कैनवास पर बनी है और जो ये ड्रोन शो होने वाला है, ये ड्रोन शो अब तक का भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। अब तक कहीं 500 ड्रोन पूरे देश में नहीं उड़े, इस बार उत्तर प्रदेश में उड़ रहा है। और आपको बता दें, ड्रोन शो के साथ ही लाइट शो का भी आयोजन किया गया है और जो ड्रोन आए हैं वो रशिया से आए हैं और उसे उड़ाने वाले भी रशिया से। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। यूपी समेत 5 राज्यों में 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेजी से बढ़ने लगी है, तो वहीं तमाम राजनीतिक दल भी अपनी जीत का प्रबल दावा ठोकने में लगे हुए हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ से सटे 161 संडीला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी अजय कुमार सिंह भी विकास और मूलभूत सुविधाओं की बात को लेकर मैदान में उतरे हैं। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी अजय कुमार सिंह ने 2022 विधानसभा को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अजय कुमार सिंह हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। अगर बीजेपी एक कार्यकर्ता के नाते हमें मौका देगी तो मैं संडीला विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। सबसे पहला मुद्दा रहेगा जो जानवरों की योगी जी ने व्यवस्था की है, उनका कायदे तरीके से गांव-गांव उनको वाच करना, लोक अधिकारीगण को ही कोई असुविधा तो नहीं जानवरों को जो सो रही। सबसे पहला प्रयास जानवर की समस्या का हल रहेगा, जो योगी जी चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम रहेगा। मेरा छोटा भाई 15 साल से प्रधान है गांव में, आप वहां जाके देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे काम किया है। उसी के आधार पे मैं काम करूंगा। जो एक प्रधान ही चला लेता है वो समझ लीजिए सब कुछ चला सकता है। मैं जनता से अपील करूंगा कि अगर मैं विधानसभा में प्रत्याशी बीजेपी मुझको बनाती है तो मेरा समर्थन करें। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में नगला प्रेमी में चोरी करने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले नगला प्रेमी में मनोज कुमार के घर में ताला तोड़कर सोने और चांदी के आभूषण और अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। इस घटना में कुल 9 अभियुक्त शामिल थे, पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। आज मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम था। पिछले दिनों थाना क्षेत्र करहल में एक साथी नकबजन चोरों का गिरोह का पर्दाफाश करहल और ये हमारी सर्विलांस की टीम के द्वारा किया गया था, जिसमें टोटल 9 अभियुक्त थे। 9 अभियुक्तों में एक जो अतुल जो सफाई इटावा कराने वाला है, जो कि फरार था और 10,000 रुपये का रिवार्ड भी इस पर घोषित था, तो तभी से इसकी तलाश चल रही थी और ये अभियुक्त आज अरेस्ट हुआ है। इसको जेल रवाना किया जा रहा है, क्योंकि कई मुकदमों में इन्होंने
चोरियां किए, मुकदमे दर्ज हैं। विद्यालय प्रबंध समिति SMC के अध्यक्ष, सचिव एवं ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी हुई। यहां उन्मुखीकरण, ब्लॉक शैक्षणिक संस्थान केंद्र भोगांव की तरफ से कार्यक्रम रसूलाबाद चौराहे पर संपन्न हुआ, जिसमें नरेंद्र पाल सिंह, उप शिक्षा निर्देशक प्राचार्य डायट भोगांव ने कहा कि SMC की बैठकों में आपसी सामंजस्य बनाए, अध्यक्ष, सचिव, ग्राम प्रधानों के बीच में जब आपसी सामंजस्य होगा तब SMC कामयाब होगी और शासन की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको भलीभांति विद्यालय स्तर पर लागू किया जा सकता है और बच्चों को उसकी सुविधाएं दी जा सकती है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण का बेहतरीन तरीका भी है। इन उन्मुखीकरण कार्यशाला के तहत आज हम शपथ लें कि हम अपने विद्यालय को प्रत्येक दशा में प्रेरक बनाने का कार्य करेंगे। वहीं महाराज सिंह, ग्राम प्रधान, ने कहा कि स्कूलों के कायाकल्प के तहत हम बराबर कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी ने उनका आभार भी प्रकट किया है। जिला कृषि अधिकारी, उर्वरक की दुकानों पर छापेमारी, दुकानों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील अंतर्गत झूलनी पर चौराहे पर मौर्य बीज भंडार की दुकान पर किसानों की शिकायत पर यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसके सापेक्ष में जिला कृषि अधिकारी CP सिंह और तहसीलदार शोहरतगढ़ के नेतृत्व में झूलनीपुर चौराहे पर मौर्य बीज भंडार के दुकान पर छापेमारी की गई और किसानों का बयान लिया गया कि किसानों ने बताया कि यूरिया खाद 400 प्रति बोरी की दर से दुकानदार ने दिया है, जिसके सापेक्ष जिला कृषि अधिकारी ने प्रथम सूचना के आधार पर FIR करवाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 3/7 की धारा पंजीकृत कर दुकान को सील किया। जिला कृषि अधिकारी CP सिंह ने कहा कि कोई भी दुकानदार उर्वरक की कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो किसानों की ओर से शिकायत मिलनी चाहिए। भंडार झूलनीपुर इसकी दुकान के प्रोप्राइटर जितेंद्र मौर्य की शिकायत मिली कि 400 रुपये में यूरिया बेच रहे हैं, उसमें से अधिकांश बॉर्डर के रहने वाले किसान हैं। इसकी शिकायत की जांच के लिए AGVG को भेजा गया, उसने भी बयान दर्ज किया किसानों का, जिसमें 400 रुपया यूरिया प्रति बैग बेचने की पुष्टि हो रही है। शिकायत तहसीलदार सोहरतगढ़, SDM साहब सोहरतगढ़ और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी की गई। दूरभाष पर मैं मौके पर तहसीलदार सोहरतगढ़ के साथ निरीक्षण करने आया। रास्ते में किसानों ने भी बताया कि ये 400 रुपये में यूरिया बिक्री किए हैं और उसकी हमें वीडियो भी उपलब्ध कराई गई। इनका पूरा स्टॉक सीज करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। फतेहपुर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर का मामला है, जहां पर जिला पंचायत सदस्यों ने एक संघ का गठन करके अपनी मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने जिस प्रकार से ग्राम प्रधानों को 5,000 देने की बात सरकार कर रही है, वहीं इन जिला पंचायत सदस्यों ने अपने वेतनमान को भी लेकर बात कही। जिला पंचायत संघ के सदस्य ने कहा कि हम गनर के लिए सरकार पर बोझ तो नहीं डाल सकते हैं, पर अगर हर सदस्य को लाइसेंस उपलब्ध हो जाए तो अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि CM योगी हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर हम सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हमारे जितने जिला पंचायत सदस्य 46 लोगों ने एक जिला पंचायत सदस्य संघ बनाया, इसलिए बनाया कि हम लोग सारे सदस्यों की जो समस्याएं हम लोग आपस में डिस्कस करें और उसको अपने अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी जो समस्याएं दें। इसी क्रम में हम लोग की कुछ समस्याएं और मांगे हैं। माननीय आदित्य योगीनाथ जी से ये निवेदन है कि जब एक ग्राम प्रधान जी को उन्होंने मासिक मानदेय 5,000 रुपया दिया, जबकि हम लोग का मासिक मानदेय एकदम जीरो है, बैठक के लिए उन्होंने जो 1,000 रुपये से 1,500 किया उसका हार्दिक स्वागत है, लेकिन आपको बता दें यदि हमारा एक सदस्य गढ़ा कोड़ा धाता चलता है और अमौली से मीटिंग के लिए जिला मुख्यालय आता है, उसका डीजल का पैसा रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा।
तो बस यही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी में कहना चाहता हूं कि हमारा हर जनप्रतिनिधि 50,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। जब एक ग्राम प्रधान को आप 5,000 रुपये मासिक दे सकते हैं तो कम से कम आप खुद सोचिए कि हम लोग कभी कुछ न कुछ मानक होना चाहिए। क्या जनपद है प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी द्वारा शक्ति यात्रा नाम से पदयात्रा निकाली गई। इसी क्रम में अयाह शाह विधानसभा के गाजीपुर कस्बे में महिला जिला अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में शक्ति यात्रा का जोरदार आयोजन किया गया, जहां कई सैकड़ों महिलाओं ने प्रतिभाग कर कांग्रेस के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ 3 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान महिला जिला अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ जिला उपाध्यक्ष राजीव लोचन निषाद, सरला सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष वंदना सचान, सुमन द्विवेदी, रंजना अमर सिंह, रानी विमला आदि लोग सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विधानसभा में शक्ति यात्रा का आयोजन किया गया, उसमें बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाएं उत्साहित होकर के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं और हमारी प्रियंका जी के हाथों को मजबूत कर रही हैं। बेरोजगार जो बेरोजगारी के लिए लड़के तरस रहे हैं वो भी कांग्रेस पार्टी में आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले 2022 में सब लोग ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में कांग्रेस को वोट करेंगे, प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आगामी जन विश्वास यात्रा को लेकर औरैया के पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में जिला प्रभारी समेत यात्रा प्रमुख समेत जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहे। इस संबंध में यात्रा प्रमुख पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान यात्रा प्रमुख राजकुमार दुबे ने जन विश्वास यात्रा के रूट के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। वहीं जिला प्रभारी ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से जन विश्वास यात्रा को सफल बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजकुमार दुबे ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं यात्रा के जिला प्रभारी ने बताया कि ये यात्रा 26 दिसंबर को औरैया जनपद में प्रवेश करेगी और तीनों विधानसभा में होकर 27 को इटावा जनपद पहुंचेगी। जन विश्वास यात्रा जो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही है, उसी यात्रा के संबंध में आज जिला कार्यालय पे बैठक रखी हुई है। हम लोग उसी की रूपरेखा में यहाँ पे बैठक में रहेंगे सब लोग। ये देखिए, ये जन विश्वास यात्रा है। इस यात्रा का मकसद जनता के बीच में जो हमारा विश्वास है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, तमाम तरह के संगठन जो हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। सभी लोगों को चंदौली में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने 2 PHC सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने हॉस्पिटल के 4 कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। हॉस्पिटल में गायब अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में लापरवाही मिल रही थी। वहीं PHC कठुआ में गंदगी देख ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। उन्नाव में बीघापुर थाने में तैनात दरोगा ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे। पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम के दौरान दरोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दरोगा कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस पैसा लेती है तो काम भी करके दिखाती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस से अच्छा कोई विभाग नहीं बना है। और क्या कुछ कहा है आप ही सुनिए। इससे अच्छा विभाग नहीं, बहुत ईमानदार पूरे का आप कभी देख रहे। अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिया या कह दिया काम करेंगे तो करेंगे, और कोई विभाग चले जाओ पैसे ले लेके तो बुलाएगा, ठीक है। आप यही देखिए, मास्टर साहब लोग हैं, अपने घर में रहते हैं, पढ़ाते हैं, 6 महीने
खबर जनपद प्रतापगढ़ के जेठवारा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सासुपुर गांव की है, जहां पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव के ही लोगों ने एक साजिश के तहत बहला फुसला कर भगा ले गए हैं। इस मामले में उन्होंने सूचना जेठवारा कोतवाली में दे दी है और आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वहीं 14 महीने बाद आरोपी समेत उनकी पुत्री की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब पीड़ित परिवार के सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई है। पीड़ितों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया है, इसलिए पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। भैया हमको 14 महीना हो गया, 14 महीना में कोई जेठवारा थाना के कोई वो नहीं किए, और जब जाते हैं कहते हैं बताओ हमको जहां है, हम पकड़ के ले आई। आखिर क्या मामला है आपका? हमारी लड़की को छोटू अपने गाड़ी से लेके प्रतापगढ़ छोड़े नहीं, और दीपक 6,000 रुपया दे नहीं तो अजय लेके भागे नहीं, कहते हैं कि कहा घाती कहीं। मिर्जापुर में महिलाओं ने प्रियंका संदेश यात्रा निकाली। संदेश यात्रा का मकसद महिलाओं में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का संचार करना था, और आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने 40% आरक्षण ये है इसकी लोगों तक जानकारी पहुंचाने का उद्देश्य भी था। साथ ही प्रियंका संदेश यात्रा महिलाओं ने निकाली है, इसी के साथ ये भी कहा गया कि इस यात्रा का मूल मकसद ही महिलाओं के अंदर राजनीतिक और चेतना का संचार करना है। मेरा नाम सत्यवीर सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, प्रभारी हूँ मिर्जापुर। सत्यवीर जी बताइए कि प्रियंका जी के संदेश का जो यात्रा आप लोगों ने निकाला है, क्या उद्देश्य है? देखिए प्रियंका जी ने कहा है कि महिलाओं को 40% की भागीदारी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के जो उनके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, जिस तरह से आज महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े हैं, जिस तरह से उनके साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, जिस तरह से बच्चियों के साथ शोषण किया जा रहा है, महिलाओं को पीछे ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ताकत देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, 40% की टिकटों के आरक्षण देने का काम करेगी, महिलाओं को 3 मुफ्त सिलेंडर देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, प्रियंका गांधी करेंगी, और जो लड़की जो बच्चियां जो बहनें हमारे इंटर पास करके BA में जाएंगी उनको स्मार्टफोन और स्कूटी देने का काम। खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि थाना क्षेत्र एलाव के इलाबांस में अफरोज अपने साथियों सहित अपने ही घर में अवैध तमंचा फैक्ट्री चला रहा है। अवैध तमंचे की मुखबिर की ओर से मिली सूचना पर पुलिस ने एक्शन लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 10 तमंचे अधवनी और शस्त्र बनने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के सामने शातिरों ने कई खुलासे भी किए हैं। अब शातिरों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि इलेक्शन में उपद्रव करने के लिए अवैध असलहों का निर्माण लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी में पैरेलल लिसनिंग पर इस चीज़ों को लिया गया और राजू और ये अफरोज दो बदमाश जो पकड़े गए, इनके कब्जे से जैसा आप देख रहे हैं ये 8 तमंचे जो कि बिल्कुल निर्मित हैं, 10 तमंचे हैं जो कि अर्धनिर्मित हैं, और साथ में फोका कारतूस और पूरा बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स जो भी जैसे कि तमंचे बनाते हैं। पूछताछ में बताया है कि 500 से 700 रुपये पर असलहे बनाने की काश्त आती है, जिसको 5,000 से लेकर के और अधिक तक के दामों में बेचते हैं। तो ये गैंग पकड़ा गया है और ये पहले भी जेल जा चुका है। पूरी टीम को इस अच्छी कार्रवाई के लिए उचित पुरस्कार दिया।
जनविश्वास यात्रा के दूसरे दिन गाजीपुर सदर से होते हुए गाजीपुर के सातों विधानसभा क्षेत्र में होकर गई यात्रा में सैदपुर विधानसभा के विधायक सुभाष पासी पहाड़पुर चौराहे से यात्रा को रिसीव करके सैदपुर विधानसभा के रामलीला मैदान पर आके रुकी और वहां एक जनसभा भी संबोधित की गई। जनविश्वास यात्रा रथ पर सवार मंत्री अनिल राजभर, संगीता बलवंत, धर्मवीर प्रजापति, रमाशंकर पटेल, ऊर्जा राज्य मंत्री सहित तमाम नेता मौजूद रहे। फतेहपुर में राजस्व विभाग के कानून गो और लेखपालों के रिश्वतखोरी के मामले उजागर हुए हैं। टिकारी गांव के रहने वाले मानसिंह ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मानसिंह ने कहा, लेखपाल प्रदीप वाजपेयी को आवास के नाम पर 17,000 दिए गए। वहीं दूसरी तरफ लेखपाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है, इसलिए अब शिकायतकर्ता मानसिंह न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। समस्या ये है सर कि हमारा बुजुर्गों का एक मकान बना था सर, हमको अभी आवास मिला था, उसमें जब मैं गिरा के निर्माण कर दिया, पूरा बना दिया सर, जब छत डालने का नंबर आया सर, मुझको परेशान किया, वैसे पहले भी मुझको परेशान किया, उसमें जैसे कि प्रधान ने परेशान किया, जीआरएस किया, उसमें साहब मुझसे पैसा मांगा गया, उसका मैंने पैसा पूरा दिया। कितना? उसमें साहब उसको 25,000 रुपये दिया मैंने प्रधान को। किस चीज़ के लिए? कॉलोनी वहाँ बना लूँ, ताकि मेरे बाप के नाम जमीन नहीं थी साहब, वहाँ बुजुर्गों से रह रहे थे, तो वो कहने लगे ये तुम्हारे बाप के नाम की जमीन नहीं है, इसमें कुछ पैसा देना पड़ेगा तब यहाँ आवास बनेगा। साहब हमने उसको पैसा दिया तो वहाँ उसने कह दिया कि बना लो। फिर हमको साहब वाजपेयी लेखपाल ने भी परेशान किया। लेखपाल वाजपेयी का नाम तो साहब वाजपेयी कहते हैं उसको, प्रदीप वाजपेयी जी, मैंने उनकी कई बार शिकायत भी किया सर, और वो मतलब वहाँ पे मेरे बगल में आगे पीछे सब जगह पैसे लेके बनवाया साहब। फरीदाबाद नगर निगम का विस्तार और विकास करने के नाम पर भले ही 24 गांवों को नगर निगम में शामिल कर दिया गया हो, लेकिन 24 गांव के 64 ट्यूबवेल ऑपरेटरों का इसका फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि इन शामिल किए गए 24 गांवों के 64 ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पिछले एक महीने से वेतन नहीं मिला है, 11 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें घर चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए आज दर्जनों ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने नगर निगम पहुंचकर अपनी तनख्वाह की मांग करते हुए नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। इन ट्यूबवेल ऑपरेटरों की माने तो जब से फरीदाबाद नगर निगम में 24 गांवों का विलय किया गया है, तब से इन्हें तनख्वाह मिलने में दिक्कत आ रही है। इन्हें लगभग 11 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते अब इन्हें बच्चों के स्कूल की फीस देने और घर चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम में सुनील के गांव मसगर का ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ। पिछले 11 महीने से तो कोई वेतन नहीं मिल रहा, 11 महीने से पहले भी हमारा 2 साल का एरियल रुका हुआ है जी। कमिश्नर साहब के पास हमने बार बार आने की, मिलने की कोशिश करी है, कभी हमें कोई मुलाकात नहीं हो पाती। मैडम से बोलते हैं तो मैडम बोलती है कि आपका रिकॉर्ड आया नहीं है, 3-4 चिट्ठी लिख दी। उसके बाद हमें डीसी साहब के माध्यम से लेबर कोर्ट ही पहुँचे, लेबर कोर्ट से भी कोई संतुष्टि नहीं, वहाँ से भी ये बोला जाता है कि आपका रिकॉर्ड नहीं आया है। क्या नाम है आपका? नाम सरजीत सर। सर नगर निगम पहुँचे हैं, क्या मांग है, किस लिए आप नगर निगम? सर इसलिए पहुँचे हैं सर, हमारे 24 गाँव में जो नगर निगम में गए हैं जी, हमको जब से गए जब से कोई वेतन नहीं दिया गया है ना, हमें कोई कुछ मिल रहा है। उससे पहले हमारी 20 में अप्रैल तक पेमेंट हुई है, अप्रैल के बाद की जो पेमेंट थी उन्होंने ब्लॉक वाले ने कहा कि हमने तुम्हारी नगर निगम में डाल दी है 8 महीने की पेमेंट, वो हमको 8 महीने की पेमेंट आज तक वो नहीं मिली, प्लस में 1 साल ये हो गई हमारे साथ, 21 चली गई पूरी, इसमें हमारा कोई अभी तक हमको 1 रुपया नहीं मिला हमारी। बलिया में घोषित छात्र संघ चुनाव का नामांकन स्थगित हो गया। नामांकन स्थगित होने पर सूचना पर छात्र भड़क गए, छात्र नेताओं के साथ उनके समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। टीडी कॉलेज चौराहे पर चक्का जाम किया गया और भाजपा नेताओं के होल्डिंग्स लगे देखकर छात्रों ने उन्हें फाड़ दिया। इसी हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही, हंगामा करने वाले छात्रों को प्रशासन मनाने में जुटी हुई है। छात्र संघ चुनाव की तिथि जिला प्रशासन के आदेशानुसार उनके बैठक के द्वारा ही प्रचार और छात्र नेताओं के बीच में निर्णय हुआ था। जनपद में 20 को नामिनेशन होगा, 24 को चुनाव होगा। आज छात्र नेता जनपद के जब काउंटर पर गए हैं तब चुनाव स्थगित का सूचना दिया गया है। ये बलिया के छात्र नौजवानों के साथ छात्रों के साथ कोरा मजाक किया गया है, जो किया है उसका साथ। औरैया जनपद में लगातार ऑनलाइन ठगी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोगों का
शिकायत बनाते थे और पीड़ितों की इन्हीं शिकायतों पर साइबर टीम एक्टिव हुई और अब टीम साइबर अपराधियों पर एक्शन ले रही है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के पकड़े गए सदस्यों में मास्टरमाइंड भी शामिल है। पुलिस के अनुसार विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्यों को संकलित करने के बाद ही इन 3 लोगों तक पहुंचा जा सका है। फरार चल रहे 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। देखिए, औरैया पुलिस की SOG टीम द्वारा एक गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिसमें गैंग के कुछ लोग जो हैं वो साइबर फ्रॉड का काम करते हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये लोग फ़ोन पे कॉल करके अपने आप को आपका परिचित बताएंगे और आपको बोलेंगे और झांसे में ले लेंगे कि मैं आपका फला फला रिश्तेदार या दोस्त बोल रहा हूँ। उसके एवज़ में ये आपको लालच देंगे कि मेरे कुछ पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं अगर आपका अकाउंट नंबर मिल जाए तो उस अकाउंट में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूं उस पैसे को। तो दूसरा आदमी जो इनसे चिर परिचित अंदाज में बात करने लग जाता है, वो ये मान लेता है कि ये शायद मुझे जानते हों और अपना अकाउंट नंबर सारी डिटेल इनको दे देते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐप्स यूज़ करते हैं जिस तरीके के, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे, इसमें ये लोग आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं विड्रॉल की, ना कि क्रेडिट कराने की। लेकिन आदमी को अपनी बात में झांसों में ले करके उसको ये पढ़ने नहीं देते कि उसमें विड्रॉल की रिक्वेस्ट आई है या क्रेडिट कराने की रिक्वेस्ट आई है। और जब आदमी को बोलते हैं कि देखिए मैंने आपको रिक्वेस्ट दी है, 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आप इसमें अपना OTP नंबर डाल दीजिए ताकि ये पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएँ, इतनी ही देर में जैसे ही आप इसमें अपना क्रेडिट कराने के लिए OTP डालेंगे, ये पैसे क्रेडिट ना हो करके आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं और इन साइबर अपराधियों के। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।